फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। टॉप बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने कॉटन का 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और कपड़े को अपनी तरफ, कपड़े की जो किनारी है उसे अपनी तरफ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम टॉप की जो लेंथ है वो रखने वाले हैं 25 इंच, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम टॉप के पार्ट के लिए 27 इंच का कपड़ा लेंगे। टोटल जो हमें लेंथ लेनी है वो 27 इंच लेनी है। तो आप 27 इंच पर निशान लगा दीजिए। ये मेरे पास 1 मीटर ही कपड़ा है, आधा मीटर कपड़ा मेरे पास अलग से है। ठीक है, यहाँ पर हमने 27 इंच का कपड़ा निकाल दिया। अब सबसे पहले हमें कपड़े की विड्थ नाप लेनी है कि उसमें हमारे चेस्ट का साइज़ बराबर आएगा या नहीं। यहाँ पर हमें 34 इंच का बनाना है, तो उसमें हमें सिलाई के लिए 2-3 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना होगा, क्योंकि टॉप हम थोड़ा लूज ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बराबर आ जाएगा, तो हम कपड़े का जो विड्थ है वो पूरी ले लेंगे। उसके बाद हमें कपड़े को ऊपर की ओर करके डबल फोल्ड कर देना है। अब हम शोल्डर्स के लिए निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर्स यहाँ पर हमारे 14 इंच के हैं, तो यहाँ पर हम 15 इंच पर यानी कि 7.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से हमें हल्के से शोल्डर राउंड कर देने हैं 1 इंच पर, ताकि आर्मोल में कोई सलवटें ना आए, फिटिंग अच्छी हो। ठीक है, और ये जो हमने निशान लगा रखा है डाउन करने के लिए, उसके नीचे हमें 7.5 इंच पर आर्मोल के लिए निशान लगाना है। यहाँ से भी चौड़ाई 7.5 इंच रखनी है। अब इस तरीके से इन दोनों निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स बना देना है पहले। तो उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर हमें हल्की सी 1.5 इंच पर गोलाई देते हुए इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ताकि आर्मोल बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा कर्व शेप दे देना है, हल्की सी इसमें गोलाई दे देनी है, ताकि टॉप की फिटिंग अच्छी हो। ये इस तरीके से सिर्फ बीच में ही देना है। ठीक है, अब हम पहले आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं। जैसा हमने ड्रॉ कर रखा है वैसा हमने कटिंग करना है। ये बीच में हम गोलाई दे देंगे, गोलाई देना ज़रूरी है, इससे टॉप की फिटिंग अच्छी रहती है। इस टॉप को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ना ज़्यादा मेहनत लगेगी, और ना ही ज़्यादा इसमें कपड़ा लगने वाला है। ठीक है, अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो आगे वाला और पीछे वाला जो नेक है वो हम सेम साइज़ का रखने वाले हैं। गले की लंबाई यहाँ पर हमें रखनी है 5.5 इंच, और चौड़ाई रखेंगे लगभग 2.25 इंच। अब इसे गोलाई देके राउंड शेप दे दीजिए। अब इसे अच्छे से कटिंग कर लीजिए। ठीक है, ये नेक की कटिंग हो गई है। अब जो हमने शोल्डर्स पर निशान लगा रखा है 1 इंच पर नीचे की तरफ, तो इसे आप कट कर लीजिए। ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टॉप का एक पार्ट तो साइड में रख देना, और एक पार्ट को हमें लेना है, और उसके जो आगे वाला आर्म होल है उसकी थोड़ी ज़्यादा कटिंग कर देनी है। तो शोल्डर से नीचे की तरफ 5.5 इंच पर एक निशान लगाइए, और यहीं पर एक 5.5 इंच पर जो निशान लगाया यहीं पर 1 इंच अंदर की और एक और निशान लगाइए। अब जैसे हमने पहले आर्म होल बना रखा है, ठीक वैसा ही एक और आर्म होल अंदर की तरफ बनाना है हमें। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टॉप की फिटिंग अच्छी हो, आर्म होल में कोई सलवटें ना आए। और ये आर्म होल में इस तरीके से कटिंग करना है कि जो कपड़ा ऊपर से सिलाई में जाएगा और जो कपड़ा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा वो नहीं कटना चाहिए, सिर्फ बीच में हमें गोलाई देनी है। ये इस तरीके से, ठीक है, इससे आर्म होल की फिटिंग अच्छी रहती है। ये तो हो गई टॉप के आगे वाले और पीछे वाले पार्ट की कटिंग। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की, और स्लीव्स में हम बेल कटने वाले हैं, उनकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आप टॉप को नीचे से गोलाई दे दीजिए साइड से, ताकि ऐसा ना लगे कि नीचे से लटका हुआ है। ठीक है, ये हो गई कटिंग, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस कपड़े को आप इस तरीके से डबल फोल्ड कीजिए। लगभग 9.5 इंच चौड़ा हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा लेना है। और देखिए यहाँ पर हमारे स्लीव्स की जो गोलाई है वो 5 इंच है, तो हम उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे, और यहाँ पर निशान लगा देंगे सिलाई के लिए। इस तरीके से ये तिरछी लाइन बना दीजिए। और अब ऊपर की तरफ 3 इंच नीचे एक और निशान लगाइए। यहाँ तक हमें स्लीव्स में गोलाई देनी है इस तरीके से। अब हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमें रखनी है लगभग 10.5 इंच, तो ये 11.5 इंच हमने कपड़ा लिया, 1 इंच हमें प्लस करना है। और स्लीव्स के आगे की तरफ हम बेल लगाने वाले हैं, यानी कि बेल स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए जो स्लीव्स है इसके आगे वाली जो आगे की साइड जो स्लीव्स रहती है उसके में थोड़ी ज़्यादा कटिंग करनी होती है, यानी कि एकदम यहाँ से सीधा कट कर दीजिए। ये बीच का जो कपड़ा है इसे हमें सीधा कर देना है, ताकि स्लीव्स यहाँ से आर्म होल की तरफ से इसमें सलवटें ना आए। ठीक है, ये तो हो गई स्लीव्स की कटिंग। अभी जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम हाफ अम्ब्रेला बाजू कट करेंगे,
इसे आप बेल स्लीव्स भी बोल सकते हो और हाफ अम्ब्रेला बाजू भी बोल सकते हो। इसे आप डबल फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स की गोलाई है वो 10 इंच है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरफ भी 3 इंच पर लगाएंगे, यानी कि गोलाई में हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब साइड से हमें नाप लेनी है लेंथ कितनी रखनी है बेल की। आप जितनी चाहो, आपके पास जितना कपड़ा हो आप उतनी रख सकते हो। इस तरीके से गोलाई में निशान लगाना है। ये देखिए, साइड से 6 इंच का कपड़ा था तो हमने सारे स्टेप को आगे आगे सरकाते हुए 6 इंच पर निशान लगा रखा है, और इस तरीके से गोलाई बन गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से बेल की कटिंग हो गई है। यहाँ से अलग कर दीजिए। अब जब हम इसे खोलेंगे तो ये हाफ अम्ब्रेला बाजू लगेगी। ठीक है, अब हम गले पर पट्टी लगाने वाले हैं, यानी कि पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कपड़े को तिरछा कट करके उरेप कर लिया है। यहाँ पर हम लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेंगे इसकी। गले पर हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। बराबर नाप की पट्टियाँ कट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई पूरे टॉप की कटिंग। अब हम टॉप की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप के दोनों पार्ट्स को लेना है और इन्हें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, अंदर की तरफ उल्टा रहना चाहिए दोनों। पहले हम शोल्डर्स को अटैच कर लेते हैं एक साथ में सिलाई लगा के। लगभग 1/2 इंच कपड़ा आप सिलाई में ले लीजिएगा और डबल सिलाई लगा के पक्की सिलाई कर दीजिए। अब हम पट्टियाँ ज्वाइंट कर लेते हैं, जो हमने उरे पट्टियाँ कट कर रखी है उनको इस तरीके से ज्वाइंट करना है। देखिए, पहले हम गले पर पाइपिंग लगा लेंगे। अब गले पर आप जो सिलाई है वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए पट्टी को, और शोल्डर्स की जो सिलाई लगा रखी है हमने वहाँ पर हमें पट्टी को हल्का सा ज़्यादा खींचना है, ताकि जो शोल्डर्स है वो एकदम फिट रहे, और बाकी पूरे गले पर हमें हल्की हल्की सी पट्टी को खींचते हुए लगाना है। ये हमने पूरी पट्टी लगा दी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थी उसे कट कर दिया है, और अब यहाँ से जहाँ से हमने लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से पट्टी को ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस पट्टी को हमें, ये जो कपड़ा ले रखा हमने सिलाई में, उसके बराबर फोल्ड करना है। ठीक है, एक बार कर दिया फोल्ड, उसके बाद एक बार और अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। और अब जो ये कपड़ा ले रखा हमने सिलाई में, इसके जस्ट किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी पट्टी लगाते वक्त, ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। पट्टी को अंदर की ओर 2 बार फोल्ड कर दीजिए, और बाहर की ओर पाइपिंग एकदम बराबर दिखनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए टॉप में। ठीक है, आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी में पट्टी को फोल्ड कीजिए और एकदम किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक साइड में और सिलाई लगा देनी, ताकि जो पट्टी है अंदर से वो अच्छे से दब जाए। ये देखिए, हमने एक और सिलाई लगा दी है। ये तो गला रेडी हो गया। अब हम स्लीव्स लगा लेते हैं। तो स्लीव्स की जो हमने ज़्यादा कटिंग करी थी वो साइड आगे की साइड रहनी चाहिए, और आर्म होल का भी जो हमने ज़्यादा कट कर रखा है वो भी आगे की साइड ही रहेगा। ठीक है, और स्लीव्स को हमें सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है, साइड से कभी भी लगाना स्टार्ट ना करें। और स्लीव्स को ज्वाइंट करते वक्त स्लीव्स हमेशा ऊपर की ओर रहनी चाहिए, टॉप नीचे की तरफ रहना चाहिए, इस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये आधी दूरी में हमने स्लीव्स के सिलाई लगा रखी है, लगा दी है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी जब हम इसके सिलाई लगाएंगे तो हमें स्लीव्स ऊपर ही रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर हम स्लीव्स को नीचे की तरफ रख के सिलाई लगा लेते हैं तो इसमें आर्म होल में जूल पड़ जाती है, वो ऐसे लूज रह जाता है। ठीक है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ जो टॉप के नीचे की है चाक है वहाँ पर हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी है। तो पहले आप कपड़े को इस तरीके से, जितनी हमें पट्टी फोल्ड करनी है उस हिसाब से फोल्ड कर लीजिए, और उसके आप चाहो तो पहले पट्टी के लिए निशान लगा सकते हो आयरन करके, उसके बाद आप पट्टी फोल्ड कर सकते हो। लेकिन ये कपड़ा थोड़ा कड़क है तो मैं ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। पहले यहाँ पर हमने साइड में गोलाई दे रखी है, इसलिए हम पट्टी पहले फोल्ड करेंगे, बाद में फोल्ड करेंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ की पट्टी फोल्ड कर लेनी है। अब हम टॉप के साइड की सिलाई लगा देते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को रखना है, यानी कि पहले हमें बाहर की ओर सिलाई लगानी है कपड़े को सीधा रखते हुए, ताकि उसके बाद हम इसको पलट के फिर अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि कपड़े के धागे बाहर की ओर नहीं आते हैं, एकदम किनारे पर सिलाई लगानी है। पूरा सिलाई लगा दीजिए स्लीव्स तक, दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगा दीजिए, और जो कपड़े के धागे हैं उन्हें आप कट कर दीजिए।
अब टॉप को पलट लेना है, उसके अंदर की ओर हमें स्टिच लगा देनी है। लगभग 1-1.5 इंच कपड़ा हमें सिलाई में ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंच टेप से नाप के, अगर आपको लूज लग रहा है टॉप तो आप फिटिंग की स्टिच लगा सकते हो। देखिए फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना है सिलाई में, ये बीच में आते आते थोड़ा कपड़ा ज़्यादा कर देना है। ओके, पहले हम एक सिलाई लगा देते हैं, उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है, देखिए कुर्ती में एकदम अच्छे से लांक भी आ गई है, इससे फिटिंग अच्छी रहती है। अब हम जो हमने स्लीव्स बना रखी है उसको हम जॉइंट कर लेते हैं। इनको आप इस तरीके से करके डबल कीजिए और इनके साइड में सिलाई लगा के इनको गोल बना लीजिए। इस तरीके से हमारी हाफ अम्ब्रेला बाजू भी तैयार हो जाएगी। दोनों को गोला कर दीजिए। अब नीचे की तरफ से इन्हें फोल्ड कर दीजिए। ज़्यादा मोटी पट्टी नहीं फोल्ड करनी है, एकदम बारीक पट्टियों में फोल्ड करनी है। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पूरी स्लीव्स पर इसी तरीके से करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने बेल की सिलाई है और जो स्लीव्स की सिलाई है, इन दोनों को आप अच्छे से मिला लीजिए। इस तरीके से टॉप को सीधा ही रखना है। आप चाहो तो इन्हें पहले पिन से अटैच कर सकते हो, ऑल पिन से, उसके बाद इनके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। और अब लगभग 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में ले लीजिए और इनको एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए। इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये जो गोला है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, तो आपको आराम से सिलाई लगा लेनी है। ये बराबर आ जाएगा 10 इंच में। और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं टॉप बनाना बहुत ही आसान है। इस टॉप को आप जींस के साथ या फिर धोती के साथ भी वेयर कर सकते हो। आपको ये टॉप कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।